नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइफस्टीज देख रहे हैं। आज बड़ी खबर है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, सुपरस्टार पवन सिंह, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह, जिनके गाने पर शादियों में, पार्टियों में लोग ठुमकते हैं, जलसों में लोग ठुमकते हैं। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही दिया। देखिए, पवन सिंह को पहले बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, लेकिन बीजेपी ने फिर अपना उम्मीदवार बदल दिया, क्योंकि पवन सिंह ने ही मना कर दिया था। पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, वो बिहार से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पिछली बार उन्होंने कहा था, वो इंटरव्यू आप लाइव स्ट्रीम पर जाकर देख सकते हैं। पवन सिंह लाइव स्ट्रीम पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था, आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी माँ की इच्छा रही है कि अब उन्हें सेवा करना है, तो वह बिहार से चुनाव लड़ेंगे। इस बात की उन्होंने घोषणा कर दी है। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे। ट्वीट किया है उन्होंने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। पवन सिंह ने ट्वीट करके साफ साफ बता दिया है अब वो चुनाव लड़ेंगे, और उनकी ट्विटर की तस्वीर हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। पवन सिंह की इस घोषणा के बाद कितनी तैयारी है, देखिए पवन सिंह ने साफ साफ लिखा है, मैं निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा, जय माता दी। अब इस चैत्र नवरात्र में काफ़ी गर्मी है। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। SS आलूवालिया अब वहाँ से उम्मीदवार बना दिए गए आसनसोल से, पवन सिंह का पत्ता साफ, अब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे काराकाट से। काराकाट में क्या लगता है, अब तो समीकरण काफ़ी बदल गया, मुसीबत बढ़ गई। देखिए, पहले एक दो बात हम लोग पहले कर लें। SS अहलूवालिया को जो आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया है, SS अहलूवालिया पहले बिहार से राज्यसभा के सांसद थे जी, तो यह बात समझ लीजिए, और बिहारी भी हैं वो। इस बार उन्हें फिर से पार्टी ने मौका दिया है, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लड़ेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देंगे। खैर, ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल की। अब पवन सिंह भोजपुरी सुपरस्टार, अच्छे अच्छे गाने आपने भी सुने होंगे, कुछ और बेहतरीन गाने हैं सभी ने सुने होंगे। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा वहां से NDA के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और राजा राम सिंह कुशवाहा महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार हैं, मालिक पहले विधायक रहे हैं, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जो उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी अब बढ़ गई है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जो उसी माटी उसी धरती के हैं जी, तो ऐसे में आपको यह जो दिखाई पड़ेगा वहाँ पर, जो जो जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का वहाँ पर कितना वोट है वह हम समझते हैं आपके पास में है। आंकड़े हैं सर, देखिए टाइटल के हिसाब से आंकड़े हमने जुटाए हैं, आप भी उस वक्त मौजूद थे जब मैं आंकड़े जुटाया था। सिंह टाइटल वाले, जो सिंह टाइटल वाले हैं, इसमें तो भूमियार भी होंगे, इसमें राजपूत भी होंगे, इसमें कुर्मी जाति के भी लोग होंगे, इसमें यादव भी कुछ होंगे। सिंह टाइटल वाले लोग जो हैं उनकी संख्या काराकाट में 475,613 है। राम टाइटल वाले, राजा राम सिंह कुशवाहा, लेकिन राम टाइटल वाले 189,353 है उनकी संख्या। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, वह भी 158,142 उनकी संख्या है, काराकाट लोकसभा से बता रहे हैं आपको। इसके अलावा कुमार टाइटल वाले 96,446 इनकी संख्या, जिनकी टाइटल कुमार से है। इसके अलावा पासवान जाति के 76,583 लोग हैं, और यादव समाज की अगर हम बात करें, यादव भी हैं वहाँ पर 79,428 है इनकी संख्या। तो ये टाइटल के हिसाब से हमने बताया है कितनी किनकी आबादी है। नहीं, अब देखिए टाइटल बता दिए, सब बता दिए, लेकिन यह निर्दलीय लड़ेंगे, इसका मतलब यह तय है कि निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन एक चर्चा और है कि वहाँ से काराकाट से ये हाथी पर भी सवार हो सकते हैं, BSP हाथी पर भी सवार हो सकते हैं, ये चर्चा है ये इनके आने के बाद से। लेकिन अभी ये अभी कुछ देर पहले हम लोग जब कर रहे हैं उसे पहले ये एक्स पर पोस्ट किए हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि निर्दलीय लड़ेंगे जी, नंबर एक जी। यह भी नहीं, किसी पार्टी का भी मेंशन नहीं किया जी। तो ऐसे में यह संभावना यह जताई जा रही है कि हो सकता है कि हाथी पर यह चढ़ें, हाथी पर चढ़ें, क्योंकि देखिए NDA और महागठबंधन दोनों खेमा तो ब्लॉक है। उपेंद्र कुशवाहा तैयार है, चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि हाँ उपेंद्र कुशवाहा की अब बेचैनी बढ़ जाएगी, उन्हें जरा अपने काराकाट पर ध्यान देना होगा, देना पड़ेगा। और लेकिन एक बात है, देखिए जो भी अब तक सिनेमा के स्टार, भोजपुरी के स्टार या बॉलीवुड स्टार जो भी जीते हैं, वह किसी न किसी बड़े राष्ट्रीय पार्टी, बड़े अलायंस से गठबंधन करके या गठबंधन के उम्मीदवार हो करके, या किसी बड़े, आप देखिए अब कौन मनोज तिवारी किससे जीते, भारतीय जनता पार्टी से, निरहुआ किससे जीते, भारतीय जनता पार्टी से, रवि किशन किससे जीते, भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में
आप देखिएगा कि जो लोग भी जीतते हैं चुनाव, वह कोई ना कोई पार्टी से उनका अलाइनमेंट होता है। चुनाव को लेकर सर कहा, और जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, अब देखिए टीएमसी से जीते वहाँ, तो वो आसनसोल में, तो पटना में भी रहे तो बीजेपी से जीते, बीजेपी से जीते। तो यह कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि आप निर्दलीय के पास न झंडा है न डंडा है, न बंदा है न बंदा है, न डंडा झंडा न बंदा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो अकेले क्या कर लीजिएगा? अकेले तो कुछ नहीं हो सकता है, या इसलिए इसमें जब कोई भी चुनाव लड़ता है उसके लिए झंडा डंडा और बंदा होना मस्ट है। हाँ, बूथ मैनेजमेंट होता है, जो इलेक्शन का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो काफी बिगड़ता है, काफी प्रॉब्लम होती है। बूथ मैनेजमेंट होगा नहीं, भीड़ होगी। हाँ, अभी गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो भीड़ होगी, पवन सिंह में भी भीड़ होगी। तो लेकिन गुंजन सिंह के लिए देखिए, नवादा जैसे जो उनका घर है, गृह जिला है, उसमें उनको कितनी परेशानी हो रही है। उनके पास में जो हम कह रहे हैं झंडा डंडा और बंदा, तो वह दिखाई तो पड़ता है रैली में, भीड़ होती है, भीड़ हो रही है, लेकिन वह उनके बूथ मैनेजमेंट में या किसी काम को सुचारू ढंग से कार्यान्वित करने में, एक्सक्यूट करने में कितनी परेशानी, पूरा इलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है पूरा बिगड़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं हो पाता है। तो यही परेशानी का सबब है। ऐसे में अगर यदि पवन सिंह पावर स्टार जो हैं, जो कहे जाते हैं, अगर यदि वो लड़ेंगे किसी पार्टी से, किसी पार्टी से वो लड़ें, तो उस पर अगर यदि चढ़ते हैं तो निश्चित रूप से, आपने कहा कि हाथी की चर्चा है, हाँ, तो वो चर्चा है, तो वो ऐसे में चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से तब वो और मजबूती के साथ फाइट दे सकेंगे, क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि माँ ने बुलाया है, माँ की गोद, तो वह सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, बहुत नवरात्र का समय चल रहा है, ऐसे समय में उन्होंने कहा है, तो एक तीर से कई निशाना भी, सेंटीमेंट थोड़ा जा गया है, हाँ, कई निशाना उन्होंने साधा है। तो ये आप माना कि हाँ, युवाओं की भीड़ होगी, जातियों की हमने बात की, देखिए 6 विधानसभा सीट हैं, 3 जो विधानसभा सीट हैं वो रोहतास जिले में आते हैं, और कुछ औरंगाबाद, कुछ जो है वो औरंगाबाद में, जैसे कि गोह विधानसभा सीट है, ओबरा सीट है काराकाट लोकसभा के अंदर, और नबीनगर है, ये जो है आपके औरंगाबाद के अंदर आते हैं। इसके अलावा नोखा है, डेहरी है और काराकाट है, ये विधानसभा जो है वो रोहतास के अंदर आते हैं, रोहतास जिले के अंदर आते हैं। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्रों में 6 विधानसभा, उन 6 के नाम हमने बताए हैं, पवन सिंह इनमें से कहाँ दबदबा बना पाएंगे ये भी देखना होगा। 6 सीटों की चर्चा हमने की, उपेंद्र कुशवाहा है, अभी फिलहाल महाबली सिंह, उनका टिकट कट गया, उपेंद्र कुशवाहा को जगह मिली है, पहले महाबली सिंह को हराया है उपेंद्र कुशवाहा ने, फिर उपेंद्र कुशवाहा को महाबली सिंह ने हराया है, जब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन थे, फिर इस बार उपेंद्र कुशवाहा है, बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर सुन रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी का सबब तो जरूर बन जाए। निश्चित रूप से, ये देखिए 2014 में उपेंद्र कुशवाहा इसी काराकाट से जीते थे और केंद्रीय मंत्री बने थे जी, बाद में फिर वो हारे भी उसके बाद, लेकिन यह बात तो अलग हो गई। लेकिन अभी जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है काराकाट की, उसमें बदली हुई इसलिए है कि वहाँ पर राजा राम सिंह कुशवाहा है, कुशवाहा समाज के, तो उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह कुशवाहा दोनों में लड़ाई तो जबरदस्त है, फाइट थी। अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, अब ये चले गए उसमें, तो ये अगर यदि किसी निर्दलीय लड़ेंगे या फिर पार्टी पर आते हैं, यह देखने वाली बात होगी, उसके बाद ही आपको पूरी स्थिति परेशानी थी उपेंद्र कुशवाहा को, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा कह लीजिए इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए भी परेशानी है, राजाराम सिंह के लिए भी परेशानी है कि वह कैसे अब क्या करें। हाँ, क्योंकि जो युवाओं की बात होती है, जो तेजस्वी की तरफ खींचे चले जाते हैं, आरजेडी की बात होती है, वो पवन सिंह की ओर खींचे चले जाएंगे, निश्चित रूप से वो युवा, तो आरजेडी का भी वोट कटेगा। पवन सिंह का युवाओं में तो क्रेज है, और हिंदी फिल्म, भोजपुरी फिल्म के वो बड़े कलाकारों में उनकी गिनती है, पावर स्टार कहे जाते हैं, तो निश्चित रूप से भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र भी है वो, जहाँ से वो काराकाट है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनकी पकड़, उनकी पहचान है पवन सिंह की, इसमें भी कोई दो मत नहीं, कोई दो मत नहीं है। लेकिन पवन सिंह के पास फिर हम कह रहे हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट कितना उनका बेहतरीन है, कितना अभी इलेक्शन मैनेजमेंट टीम को अपनी बना पाएंगे, क्योंकि देखिए भीड़ होना भीड़ अलग बात है, फिर हम कह रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वोट में तब्दील होना वो अलग बात है। भीड़ 2020 में तेजस्वी यादव की सभाओं में कितनी भीड़ होती थी, बिल्कुल ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन सीएम तो नहीं बन पाए। लालू प्रसाद यादव की सभा में कितनी भीड़ होती थी, लेकिन वो भीड़ 2019 में तेजस्वी की सभा में भीड़ होती थी, सीट आई 0। वोट में तब्दील करना बड़ी बात है, तो ऐसे लोगों को देखने के लिए भीड़ होती है, लेकिन वह भीड़ जो है सो वोट में तब्दील नहीं हो पाती है, यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब ऐसे बड़े बड़े चेहरों के साथ में होती है। तो मतलब अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर उपेंद्र कुशवाहा को अब काराकाट की ओर कुछ करना चाहिए, जो गश्त रहा है काराकाट में, तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार प्रयास नहीं, काम तो कर ही रहे हैं, घूम भी रहे हैं, लेकिन अभी अब पूरा लग जाना होगा, बिल्कुल अब अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने ऊपर, अपनी सीट पर, अब दूसरे के लिए नहीं छोड़ करके अपने लिए, क्योंकि अब उनका सीट जो समीकरण, इक्वेशन, जो गणित बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वह उनके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई, काफी परेशानी होगी उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन हाँ,
उपेंद्र कुशवाहा भी मंझे मझाए नेता हैं, बिल्कुल चाह लेंगे तो कोई भी तीर से, जेडीयू में भी रहे हैं तो तीर से वो लक्ष्य को भेदना जानते हैं। जेडीयू तो उनके अलायंस में ही है, नीतीश कुमार के फिर तो भाई हैं, भाई हैं फिर तो जाकर मिल ही लिए, बिल्कुल नहीं सब साथ में है, अलायंस में है, एनडीए फोल्ड में है और उसी में उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम भी है, तो वो ऐसे में वहां पे वो परेशानी नहीं है। लेकिन ये पावर स्टार पवन सिंह के आ जाने से परेशानी निश्चित रूप से बढ़ी है, क्योंकि वह जो वोट की कटौती होगी वह एनडीए की वोट ही काटेंगे, एनडीए के वोट कटेंगे, बिल्कुल जो राजपूत समाज के वोट वोट कटेगा तो वो किसका वोट कटेगा, यह सबसे बड़ी बात समझने वाली बात बड़ी बात है। और क्योंकि लेकिन मोदी लहर भी है तो वो भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए बेहतरीन जो रास्ता है वो तैयार करेगी। देखना होगा इस कांटे की लड़ाई में, लड़ाई तो थी ही कांटे की, एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन अब पवन सिंह के कूदने से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। देखना है उपेंद्र कुशवाहा कितनी जल्दी काराकाट पहुंचते हैं, हालांकि वो काराकाट में है, सक्रिय है, लेकिन अब और मेहनत करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।